एक चांदनी रात जंगल के बीचों बीच प्राचीन पेड़ों की छतरी के नीचे जिज्ञासु जानवरों का एक समूह इकट्ठा हुआ। उनमें से सैमी गिलहरी, मौली बंदर, लियो शेर और रोजी खरगोश थे। उन्होंने अपने जंगल में कुछ अजीब होने की फुसफुसाहट सुनी थी, ऐसा कुछ जिसने पत्तों को बेचैनी से सरसराया और रात की हवा को रहस्य से भर दिया। चांदनी ने जंगल की जमीन पर अपनी चांदी की चमक बिखेरी। जानवर सतर्कता से आगे बढ़े, उनके होश खतरे के किसी भी संकेत के लिए सतर्क थे। सैमी की तेज आंखों ने मिट्टी में अजीबोगरीब पैरों के निशान देखे जो गहरे साए में ले जा रहे थे। लियो की दहाड़ पेड़ों के बीच गूंज उठी, अंधेरे में दुबके हुए किसी भी चीज के लिए एक चेतावनी। वे घने अड्डों से होकर गुजरते हुए पटरियों का पीछा करते रहे जब तक कि वे एक छिपी हुई जगह पर नहीं ठहर गए जो भयानक चांदनी में नहाई हुई थी। वहाँ उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपन भेज दिया। जमीन में अजीब चिन्ह बने हुए थे जो दूसरी दुनिया के प्रकाश से हल्के से चमक रहे थे। मौली ने उन्हें बूढ़े बंदरों द्वारा बताई गई कहानियों, प्राचीन जादू और शक्तिशाली आत्माओं की कहानियों से पहचानते हुए हौंसती है। रोजी की नाक घबराकर हिली क्योंकि उसने पास में एक उपस्थिति को महसूस किया, कुछ अनदेखा लेकिन स्पष्ट। जानवर एक साथ दुबके, उनके दिल उनकी छाती में धड़क रहे थे। उनके शांत जंगल में ऐसी अशांति का क्या कारण हो सकता है? अचानक एक कोमल फुसफुसाहट हवा में तैर गई, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा हो गई। ये भूली हुई शक्ति एक ऐसी शक्ति के बारे में बोलता था जो उनकी दुनिया की नींव को हिला सकती थी। जानवरों को डर तब जकड़ गया जब उन्हें एहसास हुआ कि वे अपनी समझ से परे किसी चीज का सामना कर रहे हैं। लेकिन फिर जैसे ही वो प्रकट हुआ था, फुसफुसाहट रात में दूर हो गई। जमीन पर बने चिन्ह मंद पड़ गए, एक बार फिर से समा क्लियरिंग को अंधेरे में लौटा दिया। कांपते अंगों के साथ जानवर पेड़ों की सुरक्षा में वापस चले गए, उनके दिमाग सवालों और अनिश्चितता से गूंज रहे थे। जैसे ही वे अपने घरों में लौटे, जानवरों को पता चला कि वे किसी असाधारण चीज पर ठोकर खाए हैं जो उनके जंगल को हमेशा के लिए बदल देगी। और हालांकि रहस्य अनसुलझा ही रह गया, वे अपने भीतर उत्तेजना का भाव महसूस किए बिना नहीं रह सके, क्योंकि जंगल के बीचों बीच साए और रहस्यों के बीच हर मोड़ पर रोमांच का इंतजार था। और इसलिए चंद्रमा की चौकसी निगाह के तहत जानवर सो गए, उनके सपने जंगल में रहस्यमयी रात के दर्शन से भर गए। क्योंकि सबसे अंधेरे समय में भी हमेशा आशा होती थी और क्षितिज पर नई शुरुआत का वादा होता था।